इस वक्त पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा जोरों पर है। एक तरफ किसान आंदोलन के मद्देनजर पूरे देश की नजर इस वक्त दिल्ली पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ में हो रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान आंदोलन को लेकर सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप भी सुनिए। क्रांति के वैज्ञानिक निर्माता थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया, वो भी मरणोपरांत, हम उसका स्वागत करते हैं। वो भारत रत्न थे, भारत रत्न है और भारत रत्न रहे। पर बात यह है कि जो सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, वही सरकार किसानों पर इतने अन्याय करती है। स्वामीनाथन फॉर्मूला किसान संगठनों की तीन या चार मुख्य मांग है, और सबसे बड़ी मांग यह है कि जो खेती की लागत का अनुमान किया जाता है वो स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मूला पर किया जाए, और डेढ़ गुना खेती की लागत को एमएसपी घोषित किया जाए। एमएसपी की परिभाषा मोडी सेलिंग प्राइस नहीं है, एमएसपी की परिभाषा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मोदी सेलिंग प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और डेढ़ गुना जो विस्तृत रूप से खेती की लागत अनुमान किया जाता है, स्वामीनाथन फॉर्मूला जिसे कहा जाता है, ये एक मांग है। दूसरी मांग है कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे जगह हैं जहां खरीद निजी कंपनियों से होता है और निजी कंपनियां मार्केट में एमएसपी के कम दाम से खरीदते हैं किसानों से, तो इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है, जैसा कि अभी अभी कन्हैया जी ने आपको बताया है, 14 लाख करोड़ चंदा दाताओं का माफ किया गया है बैंकों से, और 1 लाख करोड़ किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता। कांग्रेस की सरकार 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी की घोषणा की थी। तो ये सब आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को, जब ये तीन काले कानून मजबूर होकर प्रधानमंत्री को वापस देना पड़ा, और आज संगठन यही मांग कर रहे हैं कि जो वादे आपने किए थे उसका क्या हुआ। आज राहुल जी ने किसान संगठनों से मुलाकात की, यही बात उठी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, कर्जा माफी के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाता है पर किसानों को तो कुछ फायदा नहीं मिलता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 न्याय हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय और किसान न्याय, तो ये आज 13 फरवरी किसान न्याय का दिन है। आज 13 फरवरी किसान न्याय का दिन है क्योंकि दिल्ली में अन्याय हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है किसान और किसान संगठनों पर। ये मोदी सरकार की असली रूप है, उनकी मंशा दर्शाता है, जो झूठे वादे किए हैं उनका कोई इरादा नहीं है उसको पूरा करने का। किसान संगठनों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है,
राहुल जी खड़े हुए हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बुलंद आवाज में हमारा समर्थन बार बार दोहराया है। और जब इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार बनेगी तब जरूर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, लीगल गारंटी होगा। और एमएसपी जो स्वामीनाथन जी ने फॉर्मूला दिया था 1.5 गुना विस्तृत खेती की लागत पर के आधार पर ही एमएसपी की घोषणा की जाएगी। और कई मांगे हैं उसको भी हम पूरा कर ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज दोपहर को कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी, मैं समझता हूं, इन विषयों पर और विस्तार से जनता को संबोधित किया। शुक्रिया। एक एक कर सिर्फ दो पार्टियों ने पलटी किया है, 28 पार्टियां हैं। एक तो एक के खून में पलटी ही है, पलटी कुमार, वो बार बार पलटी करते रहते हैं, उनसे हमें और कोई उम्मीदें नहीं थी, पलटी की उम्मीद थी। और आरएलडी चौधरी चरण सिंह की भारत रत्न की घोषणा के बाद उन्होंने भी कुछ और निर्णय लिया है, तो दो ही पार्टी गए हैं। 26 पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस मजबूत है, मजबूत कांग्रेस, मजबूत इंडिया गठबंधन। कांग्रेस को कमजोर कराकर इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं हो सकता। और मैं ये भी कह दूं, कई अवसरवादी हमारे साथी और मित्र सहयोगी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनको वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है, कुछ आदर्श नहीं है, गलत आदर्श के वजह से वॉशिंग मशीन दिखाई दे रहा है उनको। और जब ऐसे लोग जाते हैं, हजारों युवा जो दरवाजे पर खटखटा रहे हैं संगठन के दरवाजे पर, उनको मौका मिलता है। और यही दर्शाता है ऐसे ही वक्त में, ऐसे ही माहौल में जो असली कांग्रेसी है, जो कांग्रेस के विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो पहचाने जाते हैं। तो मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, ये लोग जो गए हैं ये अवसरवादी हैं और इनको वॉशिंग मशीन की बहुत जरूरत है। सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ी लंबी बात हुई है, मैं मानता हूं कुछ देरी हुई है, पर ये कठिन काम है, क्योंकि हम कुछ पार्टियों के साथ राज्यों में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला उनके साथ राज्यों में है। इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। दिल्ली में तो हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पंजाब हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हम एक हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। तो इन सभी मामलों को सुलझाने के लिए थोड़ा वक्त लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। अगर आप कहें कि क्या पहले हो जाना चाहिए था, मैं सहमत हूं, पर कुछ कठिनाइयां आई हैं और मैं समझता हूं कुछ ही दिनों में, खास तौर से डीएमके के साथ कोई समस्या नहीं है, एनसीपी और शिवसेना के साथ कोई समस्या नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ मैं समझता हूं कुछ तकलीफें नहीं है। तकलीफ है पश्चिम बंगाल में, तकलीफ है दिल्ली में, दिल्ली में भी नहीं है, तकलीफ है पंजाब, पंजाब और पश्चिम बंगाल में कुछ परेशानी है, क्योंकि हमारे संगठन में भी लोग चाहते हैं कि हमें हम ज्यादा सीट में लड़े। आम आदमी पार्टी भी चाहती है, तृणमूल कांग्रेस भी चाहती है वो ज्यादा सीट लड़े,
तो एक बीच का रास्ता ढूंढा जाएगा और कुछ ही दिनों में मैं समझता हूं अंतिम रूप सीट शेयरिंग फॉर्मूला को दिया जाएगा। ये नहीं मानता हूं कि मजबूत नहीं है, पता है क्यों? ये मुझे एक परसेप्शन मैनेजमेंट का गेम लगता है। अगर इंडिया गठबंधन इतनी कमजोर थी तो क्यों इंडिया के जो अलायंस पार्टनर थे उनको हर हाल में भाजपा अपने साथ लाना चाहती थी? मैं आपको बस एक चीज का याद दिलाना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन की जब पहली मीटिंग हुई तो बीजेपी की तरफ से नारा आया एक अकेला, एक अकेला। बब्बल तो आप अकेला क्यों है मोदी जी, शादीशुदा आदमी है, क्यों ही आप अकेला है? फिर भी नारा लगाया गया कि एक अकेला। फिर आनन फानन में जो एनडीए कहीं खो गया था मोदी जी के उस प्रचार के बीच में, कहीं गुम हो गया था, तो जो है फिर से एनडीए की आनन फानन में बैठक बुलाई गई। और आप 28 पार्टी कह रहे हैं, 28 पार्टी से ज्यादा पार्टियों को जो है आमंत्रित किया गया एनडीए की बैठक में, और उससे मन नहीं भरा। इंडी अलायंस बोलते रहे, अटैक करते रहे, इंडिया बात पे बोलते रहे और कोशिश करते रहे कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों को अपने साथ लाया जाए। मैं मानता हूं कि अगर ये इतने मजबूत हैं तो इनको ये सब करने की क्या जरूरत है, इसका मतलब ये मजबूत नहीं है। ये परसेप्शन जो है बहुत चालाकी से देश में बनाया गया है कि कांग्रेस जो है कमजोर हो गई। एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं, जब देश गुलाम था तो मोदी जी से पहले लॉर्ड कर्जन बोला करता था कि इस कांग्रेस को हम घिसट करके मरते हुए देखना चाहते हैं, ये लॉर्ड कर्जन के शब्द हैं। आज एक लॉर्ड दुर्जन है, वो भी कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहते हैं। ना कर्जन का सब सपना पूरा हुआ था, ना दुर्जन का सपना पूरा होने वाला है, मार्क माय वर्ड, लिख लीजिए। इस 5 राज्य के चुनाव में ही जहां इतना ढिंढोरा पीटा गया ना कि कांग्रेस हार गई, उस 5 राज्य के चुनाव का अगर कुल वोट जोड़ेंगे तो 9,000 वोट ज्यादा हमको आया है बीजेपी से। और राजस्थान में एक बाय इलेक्शन हुआ तुरंत मुख्यमंत्री बनने के बाद, और उस आदमी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करके चुनाव चल रहा था और मंत्री बना दिया गया, वो चुनाव हार गई बीजेपी। अगर ये इतने मजबूत हैं तो चंद्रबाबू नायडू के पांव में क्यों लटके हुए हैं? जिस जयंत चौधरी को डंडों से पिटवाया किसान आंदोलन में, आज जो है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं और उनको अपने साथ ले रहे हैं। नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, व्यक्तिगत जो है चरित्र पे उंगली उठाई, घोटालेबाज कहा, मर्डरर कहा, और आज वो जो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, वो मुरेठा बांध करके घूम रहा था, अब जो है उनके बगल में शपथ ले रहा है। इतनी मजबूत है बीजेपी, ये सिर्फ झूठ बोलने में मजबूत है। कांग्रेस पार्टी जो काम करती है और कांग्रेस पार्टी जहां तक है, अगर वो संगठित होकर के इस परसेप्शन की वॉर को लड़ने लगे, बीजेपी कहीं नहीं टिकेगी। और एक बात याद रखिएगा, बड़ी चालाकी से इस देश में एक साजिश रची गई है, धीरे 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 करके एक संगठित अपराध के तहत गांधी और गांधी के मूल्यों के खिलाफ हमारे दिमाग में भरा गया। क्या भरा गया? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। साहब, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है? मजबूती का नाम महात्मा गांधी होता है? आज के डेट में एक दरोगा के सामने किसी को खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती है, और जो है जिस साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था उसके सामने वो आदमी बिना जो है हथियार के खड़े हो गए सत्य और अहिंसा के दम पे। ये तब भी अंग्रेजों से नहीं लड़े थे और ये आज भी, और प्रधानमंत्री जी के सामने जैसा कि पिताजी ने भाषण दिया पार्लियामेंट में, क्या कहा, जो इतिहास नहीं पहचानते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नहीं पहचाने थे आप इतिहास? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने हिस्सा नहीं लिया था, और आज भी आप इतिहास नहीं पहचान रहे हैं अगर आप मोदानी के साथ खड़े हैं। देखिए, ताकतवर के साथ खड़ा हो जाना ना इतिहास बनाना नहीं होता है, कमजोर के साथ खड़ा होना इतिहास बनाना होता है। और ये देखिए पूरा तंत्र लगाए हुए हैं एक व्यक्ति राहुल गांधी के पीछे। एक तरफ कहते हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, उनकी पार्टी कमजोर हो गई है, जनता उनके समर्थन में नहीं है, तो सारा का सारा तंत्र उनके पीछे क्यों लगाए हुए हैं? ईडी, सीबीआई, मीडिया, नैरेटिव मेकर, सारा तंत्र एक आदमी के पीछे क्यों? क्योंकि न्याय की ताकत होती है ना, कि अन्याय का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक से जो है ना उस अंधेरे को का मुकाबला किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से परसेप्शन मैनेजमेंट है कि कांग्रेस खत्म हो गई, या कांग्रेस खत्म हुई कांग्रेस के नेताओं को ले रहे हैं आप, बताइए।
राज्यसभा दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, जिसको परिवारवादी कहते हुए मुंह नहीं थकता था प्रधानमंत्री का, उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो परिवारवादी थे और वहां जाकर के समाजवादी हो गए हैं। ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रहा है। मैं कहता हूं कांग्रेस जो है वो इस देश की पार्टी है। देश के लोग जब इससे दूर हो जाते हैं तो थोड़ा कमजोर हो जाती है। देश के लोगों को जब अपना हक और अधिकार याद आता है, इसमें शामिल होते हैं, तो ये मजबूत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास, एक बात याद रखिएगा, किसी व्यक्ति का और किसी विचारधारा का इतिहास नहीं है। इस देश के आधुनिक इतिहास के साथ कांग्रेस का इतिहास कदम से कदम मिला के चलता है। बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।